मंगलवार को पानीपत शुगर मिल में हवन यज्ञ करके जिला उपायुक्त सुमेधा कटारिया समेत पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने पेराई सत्र का शुभारंभ किया। जहां शुगर मिल में एक ओर शुभारंभ किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर शुगर मिल के ही कर्मचारी शुगर मिल के गेट पर धरने पर बैठे हुए थे और शुगर मिल प्रशासन के खिलाफ कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने शुगर मिल में चल रहे भ्रष्टाचार और पेट्रोल पंप इत्यादि के गड़बड़ झाले के बारे में आवाज़ उठाई थी, तो मिल प्रशासन ने उनके ही खिलाफ कार्रवाई कर डाली और उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। हमने एमडी साहब को पहले मौखिक तौर पे और लिखित में शिकायत की थी, भाई पेट्रोल पंप पे, किसान सेवा केंद्र में, डिस्ट्री में और शुगर मिल में काफ़ी घपले हो रहे हैं, आप इन पर ध्यान दीजिए। तत्काल एमडी ने उनकी ट्रांसफ़र होगी तो हमने लिख के दे दिया, हमने शिकायत कर दी। 11 तारीख को एमडी प्रदीप अहलावत जी ने पदभार अपना ग्रहण किया। उसके बाद में हमारे को जो हमारी चिट्ठी गई थी श्रीमती ज्योति अरोड़ा जी को, उसके ऊपर बुलाया भी नहीं गया। उस पर हमारे को चेतावनी देके ने कहा कि भी अगर आप शिकायत करते तो पहले मेरे को करो और उसके बाद में ऊपर जाओ। हमने एमडी साहब को बार बार चिट्ठी लिख के ने चेताया और व्हाट्सएप पे भी हमने टेलीफोन करके व्हाट्सएप पे भी इनको मैसेज डाला, अगर हमारी समस्याएं हैं ये सुनो। लेकिन एमडी साहब ने हमारी कोई भी समस्या नहीं सुनी, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। और हमने जब 2:30 बजे शिकायत की तो 4:30 बजे एमडी साहब ने बुला के ना मेरे को सस्पेंड कर दिया गया। कहने लगे आप ऊपर शिकायत करते हो मेरी और आप ऊपर मिल की छवि खराब करते हो। हमने तो आपको पहले भी कई बार बता रखा था, एमडी साहब ने हमारी कोई नहीं सुनी और मेरे को शुगर मिल में बढ़ने से भी बंद कर दिया है। तानाशाह रवैया अपनाया हुआ है बहुत बुरी तरह से। अगर 2 कर्मचारी इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी हाजिरी काट लेना, उनकी अपडेट कर देना, छुट्टी पास न करना, मन अपने अनुरूप उनकी ड्यूटी बदल देना कहीं की कहीं, और उनका पूरा तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। आज भी विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हो आप? आज इसी तानाशाही के उसमें और हमारे वीरेंद्र सिंह को जो सस्पेंड कर रखा है उसके एवज में कर्मचारियों में रोष है, बहुत भारी रोष है। इसको तानाशाही इसकी नहीं चलने देंगे हम, चाहे हमने कहीं तक भी जाना पड़ी हो। हमने उपायुक्त आए थे, क्या आपने अपना पक्ष रखा? हमने कल उनको ईमेल से हमने चिट्ठी भेज दी गई थी, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, ना हमारे पास कोई आया। अगर अब भी आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अगली रणनीति आपकी क्या होगी? यहाँ जिला पानीपत व शुगर मिल के कर्मचारी हुए, सभी शुगर मिलों के कर्मचारी यहाँ एकत्र होके ने कोई आगे जो निर्णय लिया जाएगा वो ठोस निर्णय लिया जाएगा, या तो हड़ताल की जाएगी या कोई भी कदम उठाना पड़ेगा वो हम कदम उठाएंगे। आज शाम को हमारी रणनीति बनेगी, क्यों सभी शुगर मिलों का भी मैं महासचिव हूँ, हरियाणा शुगर मिल कर्मचारी महासचिव संगठन का भी मैं महासचिव हूँ, तो सभी से टेलीफोन आ गया, अगर ये नहीं छोड़ेगा तो हम कोई ना कोई इस पर निर्णय लेंगे। जो कर्मचारियों को ये जो पैसे दिया जा रहा है ये बिल्कुल इल्लीगल तौर पर दिया जा रहा है, क्योंकि इस पैसे में इन्होंने सबसे पहले आदमी दिखाए 100 से ऊपर, उस कैप्टन आ गए 70 आदमी पे, अब आ गए 43 आदमी पे, क्या 43 आदमी, लेकिन काम किया है मुश्किल से 10-12 आदमी ने, सारा बोगस पैसा था जिसको अपनी जेब में डालना चाहते थे लेकिन वो नहीं दे पाए। अब ये इन्होंने चेक काट दिए, क्योंकि ये अधिकारी आए हमारे एमडी साहब, इन्होंने आते ही अपना कमेटी गठित की और इसको कर दिया, जबकि ये दरकिनार था क्योंकि 3 बार डेफर हो चुका था मामला फेडरेशन से। और अगर किसी को रखना चाहते हो तो आपको अनुमति लेनी पड़ती है ACS से और FD से, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से, तब आप रख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं रख सकते। वो कोई भी नहीं अपनाएगी कोई भी चीज़ें, इन्होंने ये रखी और इन्होंने रखा किसको? अपने चेतों को, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई काम नहीं, कुछ नहीं था, तो इन्होंने रखा है। अब उनकी ये लगे उनकी अपनी पेमेंट देने के लिए, जैसे जैसे पेमेंट देने लगे सिर्फ 5 आदमी के चेक दे पाए हैं 43 में से, बाकी आदमी की क्वालिफिकेशन चेक करने लग रहे हैं अब कि आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ से, आज कहाँ से क्वालिफिकेशन आ गई, जिस दिन रखी उस दिन क्वालिफिकेशन कहाँ गई थी। और इसी बात को हमने एमडी साहब के आगे रखी और उसको रखते ही एकदम तुरंत प्रभाव से उन्होंने जोश में आगे एकदम तुरंत प्रभाव से हमारे कर्मचारी को सस्पेंड उसी टाइम से, और उसी टाइम मिलने में उसका बनना बंद। तो क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि हमारे डेलीवेजर यहाँ पे 30-35 सालों से काम कर रहा है, उनको पक्का करने का आज तक कोई काम नहीं किया गया। उनको 3/12/2012 के एजेंडे में उनको पास भी कर दिया गया था, उनकी जो मीटिंग की आगे जो हमारी पुष्टि होती है वो भी कर दी गई थी, ओनली ऑर्डर देना बाकी रह गया था इनको, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे पाए आदमी उसमें करके, और
हमारी छुट्टियां हैं, क्योंकि शुगर मिल एक संस्था है, उस संस्था के अंदर जितने कर्मचारी होते हैं वो चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर है चाहे कोई भी है, वो एक वर्कर की परिभाषा में आता है, और एक वर्कर को जितनी छुट्टियां दी जाती हैं वो सभी पे लागू होती है, चाहे डेलीवेजर है चाहे कोई है, और बाकी तो सीजनल कर्मचारी हमारा परमानेंट कर्मचारी सब साथ साथ छुट्टियां ले रहा है, लेकिन डेलीवेजर को एक ओनली अर्न लीव दी जा रही है, और उसको भी क्योंकि उसको छुट्टी चाहिए, अगर वो बीमार पड़ जाता तो उसको बड़ी मुश्किल होती है, उसको अपनी वो पैसा कटवाना पड़ता है, जब करंट लीव का हमें पैसा मिलना चाहिए, तो हमें साथ साथ छुट्टी वो भी चाहिए, वो हमारे को नहीं दे रहे। और भी हमारे तो कर्मचारी भाई जो भी समस्या लेके जाते हैं उसको दरकिनार कर दिया जाता है, सिर्फ हमने फायदे के लिए। उन्होंने जो कंप्लेंट दी थी वो मिलकर भ्रष्टाचार को लेके नहीं थी, वो यहाँ पे पिछले सीजन में कुछ कर्मचारी थे जो रिटायर्ड कर्मचारी थे, उन्होंने यहाँ काम किया था, उनकी हाजिरियाँ भी बाकायदा हैं, उनकी पेमेंट है, किसी कंपनी या ठेकेदार या किसी काम की कोई पेमेंट नहीं है, किसी टाइप का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जिस व्यक्ति को सस्पेंड किया गया है वो खुद कमेटी का सदस्य था, हमारे सामने मेरे सामने जब मैं आया तो ना मेरे उस टाइम का ये मामला है, उससे पहले का है, लेकिन गरीब मजदूरों का हित देखते हुए उनकी पेमेंट के लिए हमने एक आवाज़ चलाई, इसके लिए सारी हमारे जो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव थे, एक नहीं यहाँ पे तीन यूनियन है, सबने ही साझा मिल के ये कहा था कि जी हमारे भाई बंधु हैं, इन्होंने यहाँ काम किया है और किन्हीं कारणोंवश जो है इनकी पेमेंट नहीं हो पाई थी, तो एक जिम्मेवार आदमी की तरह कमेटी बना के बोर्ड में हमने प्रॉपर रेजोल्यूशन ला के और उसके अगेंस्ट में जो है एक कमेटी बनाई, जिसमें एक दो सदस्य जो बाहर बैठे हैं, जिसको एक को सस्पेंड किया गया वो भी उसका सदस्य था, तो वो कमेटी का सदस्य होने के बावजूद उसने ना अपनी कोई ऑब्जर्वेशन दी और ना ही उस पर दस्तखत किए, और बार बार जो है शिकायतें उसी के प्रति डालते रहे। मौखिक तौर पे मैंने जब भी पूछा तो उन्होंने कहा कि काम ठीक है जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और उनका जो अपना काम है वो एक स्टोर क्लर्क होने के बावजूद जो है मिल में तरह तरह की राजनीति करना, बाहर धरने प्रदर्शन करना, और बाहर के अन्य मजदूरों को लेकर जो है उनको मिल के मजदूर दिखा के और अपनी संख्या को मजबूत करके दिखाना, ये मैनेजमेंट पर अनावश्यक दबाव बनाना है, क्योंकि जो काम हमने किया है वो सिर्फ कर्मचारियों की तनख्वाह दी है, जिन्होंने यहाँ काम किया है, जो है रिटायर्ड कर्मचारी थे, जो है अप्रेंटिस थे, और जिनके मिल का प्रत्येक कर्मचारी आप किसी से भी पूछिए उनकी गवाही देता है, तो उनकी पेमेंट करना मैं नहीं समझता कोई गैरकानूनी है या कुछ भी तरीका है, और जिस किसी को कोई आपत्ति थी तो उसका एक कानूनी तरीका होता है, उसका कोई प्रदर्शन कोई तरीका नहीं होता, ये फैक्ट्री है, इसके सर्विस रूल हैं कर्मचारियों को गवर्न करने के, एक संविधान है हमारा, अपना मिल के अपने बायलॉज हैं, उनके तहत कार्रवाई है, उनके तहत एक प्रणाली है जिसको अपनाया जाना चाहिए, और कुछ लोग अगर धरने और यूनियन के उस पर जो है मिल मैनेजमेंट को या मिल की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाते हैं तो वो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, ना मैंने बर्दाश्त किया ना आगे करूँगा। सर, इसके अलावा भी कर्मचारियों का कहना है कि लगातार पिछले कई सालों से पेट्रोल पंप में और चीनी विक्रय केंद्र में गड़बड़ ज्यादा हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? पेट्रोल पंप की भी शिकायत थी, उसमें उन्होंने पहले शिकायत कभी मुझे नहीं दी, ठीक है, जो सही तरीका होता था वो सीधा शिकायत राजनीति चमकाने के लिए या आपसी रंजिश निकालने के लिए सीधा उच्च अधिकारियों को भेजी, उसके लिए मैंने उनको पहले नोटिस भी दिया, क्योंकि देखिए मिल के सर्विस रूल भी यही कहते हैं, और आम तरीके से अगर हम जस्टिस का रास्ता देखें तो उसका भी तरीका ये है कि आपके ऊपर जो अधिकारी है पहले आप उसको सूचित करें, चाहे कोई काम सही हो रहा है या कोई गलत हो रहा है, वो नहीं एक्शन लेता फिर आप स्वतंत्र हैं, आप किसी के पास भी शिकायत करिए, उसका तरीका है, कोर्ट है, ऊपर हमारे अधिकारी हैं, मैं कोई अकेला यहाँ से डिसीजन नहीं करता, मेरे ऊपर चेयरमैन मैडम हैं और RCS हैं, MD फेडरेशन है, तो आप अगर MD को और चेयरमैन को ना बताकर और सीधा ऊपर बताएंगे तो उसका पहला मतलब ये निकलता है, शिकायत चाहे सच्ची हो चाहे झूठी, अब मिल की छवि को धूमिल करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, दूसरे साथी पर दबाव डालने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो ऐसा ही उन्होंने किया। जहाँ तक गड़बड़ की बात है, मेरे सामने अभी तक कोई गड़बड़ नहीं आई है, हालांकि मैंने अपनी एक पॉलिसी बना रखी है कि जैसे पेट्रोल पंप है या शुगर सेल का पॉइंट है उस पर परमानेंट किसी को ना रखा जाए, हर 45 या 60 दिन में उसमें कर्मचारी रोटेट होते रहें, डेली की उनकी पेमेंट जो है वो बैंक में आती रहे, ये दो चीज़ें मैं इंश्योर कर रहा हूँ। तीसरा उसमें ये है कि पेट्रोल पंप का ऑडिट के लिए ऑर्डर कर दिए हैं, उसका हम एक ऑडिट भी कराएंगे जो इनकी डिमांड थी, उससे ज़्यादा मैं नहीं समझता अभी उसमें कुछ करने की ज़रूरत है, फिर भी कोई शिकायत आती है उसका बिल्कुल सच्चाई से ट्रांसपेरेंसी से निपटारा करेंगे। सर, कर्मचारियों ने आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया, अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो प्रदेश उनकी कोई मांग नहीं है, ना वो कोई कर्मचारी है, मिल के ज़्यादातर कर्मचारी मिल में हैं, उद्घाटन में भाग लिया, मिल चलाने में अपना मेहनत पसीना लगाया, जिम्मेवारी से मिल में काम कर रहे हैं, एक वीरेंद्र राणा जो स्टोर क्लर्क है
उसी का सुनने में आया कि वो बाहर बैठा है और दो तीन और उसने लोग बिठा रखे हैं, बाकी वो प्राइवेट आदमी बाहर से लेके आया हुआ है। क्योंकि हमारी हाजिरी जो है मील की लगभग वो पूरी है, उनका अल्टीमेटम देने का ये कोई तरीका नहीं होता। मैं उनके किसी भी अल्टीमेट या मांग को निरस्त करता हूँ। वो सस्पेंड हुए हैं, वो सही या गलत हुए हैं, वो इंक्वायरी में आ जाएगा। उसका एक तरीका है जो कानून में निहित है, उसको ना मैं बदल सकता हूँ ना कोई और बदल सकता है। जो आरोप लगेंगे एक चार्जशीट उनको दे दी जाएगी, टाइम रहते उसको कोई डिले भी नहीं किया जाएगा। अगर चार्ज सिद्ध होते हैं तो वो उसके लिए दोषी पाए जाएंगे तो उनको सजा दी जाएगी, अगर चार्ज सिद्ध नहीं होते हैं तो उनको मिल में वापस बहाल किया जाएगा। आज से हमारा 63वां प्राइस स्तर शुरू हुआ है, जिसमें हमारे पानीपत शहर के डिप्टी कमिश्नर, हमारे SDM साहब, हमारे MD शुगर मिल सब के सब लोग उपस्थित रहे हैं, यहाँ के सब हमारे कर्मचारी और किसान भाई। मैं बड़ा ये बहुत खुशी महसूस हो रही है कि भाई हमारे यहाँ पर भी बहुत पुरानी मिल, जो सबसे पुरानी मिल है, वो नई मिलों के मुकाबले में पिराई करने जा रही है, जितनी इसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। और हमारा जो नया शुगर मिल है वो अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर तो किसान भाइयों को सुपर्द कर दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, हर साल ये सेशन शुरू होता है, इस बार भी इसका सेशन शुरू हो रहा है। मिल गए कुछ कर्मचारी हैं जो आज बार प्रदर्शन कर रहे हैं शुगर मिल के बारे में। BMS के कर्मचारी जो भारतीय मजदूर संघ की एक तरह से भाजपा का ही माना जा रहा है, ये भी एक भारतीय मजदूर संघ भाजपा का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक अलग विचार है और वो भी हमारे विचार से मेल जोल करने वाले वाले लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं MD साहब हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, बैठ कर उनके बातचीत करके उसका निपटान जल्दी कराएंगे। 2-3 दिन से उतरना प्रदर्शन करें उन्होंने, बात करेंगे। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन ब्रिजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।